नागपुर से चार युवक रविवार की दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास घोघरा पेज नदी किनारे नहा रहे थे, तभी अचानक नागपुर निवासी हरीश थापा नामक 21 वर्षीय की उस नदी में चप्पल बह जाने से उसे पकड़ने के लिए प्रयास करते समय उसका पांव नदी में फिसल गया। युवक नदी में पानी के बहाव में बह गया, जबकि उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। पानी के बहाव तेज होने से वह दोस्तों को दिखाई नहीं दिया। जैसे ही हरीश दिखाई नहीं देने पर पार्श्वनी पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पेज नदी में पेज जलाशय का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का जल स्तर बढ़ने से हरीश थापा की तलाशी करने में दिक्कतें आ रही हैं। खबर लिखे जाने तक हरीश थापा के शव की तलाश नहीं होने की जानकारी पुलिस विभाग की ओर से प्राप्त हुई। पार्श्वनी घोघरा महादेव स्थळावर पेच नदीचे पेच धरणाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्याने त्या धरणाचे पाणी पेच नदीमध्ये येत असल्याने या स्थळावर अनेक पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते। त्यामुळेच की आज रविवार दिवस सुटीचे असताना नागपूर येथील चार युवक या पर्यटनस्थळावर पर्यटनासाठी आले होते। तर त्यांनी पर्यटना येताना नदीच्या काठावर आपली आंघोळ केली आणि आंघोळ करता करता हरीश थापा त्याची चप्पल नदीच्या पाण्यात तहत वाहू लागली। त्यात तो नदीच्या पाण्यात चप्पल पकडण्यासाठी गेला असता त्यातच तो पोरगा वाहून गेला। हे चारही मुलं दुपारी 2 वाजता या नदी पात्रात आले होते। त्यांनी आंघोळ केली आणि आता परत जायचं त्याच वेळेस अंजानपी चप्पल पाण्यात गेली आणि ती चप्पल पकडण्यासाठी गेलेला हरीश हा पाण्यात बुडू लागला। तर या नदी पात्राला मोठ्या प्रमाणात तरीही पर्यटक मात्र या नदी पात्रात जाऊन आपला जीव गमावतात। त्यामुळे कुणी या नदी पात्रात जाऊ नये अशी आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आलेलं आहे। मी रुपेश खंडारे, BCN News, पारशी न्यूज।